14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने रविवार को गोलघर स्थित चेतना तिराहे पर मोमबत्ती जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित दी, जिसके संबंध में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिला संयोजक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमले में अर्धसैनिक बल के सैनिक शहीद हो गए थे, जिनको अटेवा पेंशन बचाओ मंच श्रद्धांजलि देता है और सरकार से मांग करता है कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, यही उन शहीद सैनिकों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के जिला संयोजक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह ने कहा, डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, जिला संयोजक अटेवा गोरखपुर। जब हम लोग पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं 2019 में, आज ही के दिन हमारे साथी पुलवामा में आतंकियों के हमले में शहीद हो गए थे। हमारे साथी शहीद हुए थे वो अर्धसैनिक बल हैं, और सैनिक बलों को भी जो पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है, तो हम लोग श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरकार से ये मांग करते हैं कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।